झुआ शुभ नारायण नगर स्थित संभाना आवासीय उच्च विद्यालय में रक्षाबंधन के अवसर पर 4 दिवसीय राखी मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय के निदेशक कुमार द्विजेंद्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में रक्षाबंधन के अवसर पर राखी मेकिंग वर्कशॉप के 4 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक द्विजेंद्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रशिक्षक और छात्राओं को संबोधित करते हुए निदेशक द्विजेंद्र ने कहा कि इस वर्कशॉप के माध्यम से अगले 4 दिनों तक विद्यालय की छात्राएं स्वयं से राखी और रक्षा बंधन पर्व में उपयोग किए जाने वाले सामग्रियों को बनाना सीखेंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यशालाओं में सीखे गए विधियों से छात्राओं को में कौशल का विकास होता है। वर्कशॉप में छात्राओं को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालय की छात्राओं को अपनी रचनात्मक निखारने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से हमारी छात्राओं द्वारा तैयार की गई राखियों को देश की सीमा पर तैनात अपने सैनिक भाइयों को भी भेजा जाएगा। विद्यालय की छात्राएं हर साल रक्षाबंधन पर स्वयं से राखी बनाकर भारतीय सीमा पर तैनात सैनिकों को भेजती हैं। यह परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला बतौर प्रशिक्षक चित्रकार संजीव सिन्हा और कला व शिल्प शिक्षक श्री विष्णु शंकर छात्राओं को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षक संजीव सिन्हा तथा विष्णु शंकर ने बताया कि कार्यशाला में कक्षा 6 से वर्ग 10 की 200 छात्राएं भाग ले रही हैं। इस कार्यशाला में अगले 4 दिनों में 500 राखियों को तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यशाला में छात्राओं द्वारा बनाई गई राखियों की प्रदर्शनी आगामी 13 अगस्त को विद्यालय परिसर में लगाई जाएगी। हेलो, ठीक है सर, ठीक है। तुम सोचो अगले 4 दिन है तुम्हारे पास कि क्या बना सकते हो, कैसे बना सकते हो और बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है। तो 5 लोगों को मेरी तरफ से पुरस्कृत भी दिया जाएगा। 5 लोग आप लोगों को इस कार्यशाला के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सीखे और लगातार सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 5 साथी कौन है ये आपकी मेहनत और लगन बताएगी। मैं चाहूंगा कि इस वर्कशॉप के जो भी गाइड हैं, प्रशिक्षक हैं, विश्वजी और संजीव सर, ये अपना कुछ गाइडलाइन आपको दें। उनके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। सर तो आप आइए जरा सा और बच्चों को यहाँ से कुछ दिशा निर्देश दीजिए। आप 3 दिनों तक हम लोग राखी बनाएंगे और तीसरे ही दिन इसकी प्रदर्शनी करनी है। बाकी बच्चे पुरस्कृत भी होंगे तो मैं चाहूँगा कि सब लोग ध्यान से एक दूसरे से बात ना करें। किसी को कोई समस्या हो तो सीधा हमसे या विष्णु सर से पूछ लें, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के पास समय भी थोड़ा कम है तो एक दूसरे से बात करने से अच्छा है कि सीधा संवाद हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। मेकिंग वर्कशॉप का आपके विद्यालय में उद्घाटन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है और किस लिए ये आज ये राखी मेकिंग का किया गया? एक्चुअली ये राखी मेकिंग वर्कशॉप हमारे स्कूल में प्रतिवर्ष होता है और इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो यह कि हमारा जो देश है, हम जहाँ रहते हैं, यह उत्सव धर्मी है और सभी पर्व त्यौहार का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है।
तो राखी बहनें भाइयों की रक्षा के लिए बांधती हैं ताकि वह स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और भाई जो है उनकी हिफाजत करते हैं। लेकिन इस वर्कशॉप का एक और उद्देश्य है, जो राखियां वर्कशॉप से तैयार होती हैं उन राखियों को हम लोग सीमा पे तैनात सैनिक भाइयों के लिए भेजते हैं जो हमारी देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ताकि उन्हें एक संबल मिले कि मैं ही सिर्फ सरहद पे नहीं खड़ा हूँ, एक छोटा सा सहयोग हम लोग करते हैं कि इस देश की जनता की भावनाएं, बहनों की भावनाएं आपके साथ हैं, और हम उनके लिए राखी बनवा करके इस वर्कशॉप के माध्यम से जो छात्राएं बनाती हैं अलग अलग सीमाओं पे तैनात लोगों को भेजते हैं। जैसे पिछली बार हम ढोकलाम भेजे थे, इस बार मेरा कारगिल भेजने का उद्देश्य है कि मैं कारगिल भी भेजूँ। तो ये बराबर से होता आया है और मैं सरहद पे तैनात सैनिक भाइयों के लिए राखियाँ वर्कशॉप के माध्यम से बनवा करके भेजती हूँ। कितने बच्चे राखी मेकिंग में? करीब 160 बच्चियाँ इसमें भाग ली हैं, और उन्हीं द्वारा बनाई गई राखियों को हम लोग भेजेंगे, और लास्ट रोज मंडे को 13 तारीख को एक एग्जीबिशन भी लगेगा, और उस एग्जीबिशन में चयनित राखियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, और उसी में से करीब 200 से 250 के बीच राखियाँ हम लोग वहाँ भेजेंगे।